सारे लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी, साइज भी बता दूंगी, और मीशो ऐप से खरीदे हैं, और कैश ऑन डिलीवरी आप इसमें कर सकते हो, और छोटी सी वीडियो बनाती हूँ मैं, देख लिया करो यार, देख के जाया करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फैमिली कैसे हो आप, से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो यार मुझे पता है कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियोस नहीं लेके आ पा रही हूँ क्योंकि मेरी थेरेपीज चल रही है यार। दुआ करो मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो मेरी थेरेपीज चल रही है उस वजह से मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, ज्यादा बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, लेट नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आपसे मैं, क्योंकि अब मैं बहुत मुझे सहूलत मिल गई है, तो इंशाल्लाह डेली वीडियो, डेली नहीं हो इतनी मेहनत में कब से करने लगी मैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आज जो ड्रेसेस होने वाली है ना, बहुत सस्ते में बहुत अच्छी ड्रेसेस होने वाली है, सीरियसली वीडियो पूरा ध्यान से देखना। पहले आप वीडियो देखते नहीं हो फिर इतने सारे सवालों का ढेर लगा लेते हो। पहले मैं बता दूं, जो भी लिंक्स हैं उनके वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो भी कोड्स होंगे वो भी मैं नीचे दे दूंगी, आप जाके देख लेना, ओके। एंड कुछ भी सवाल और भी ज्यादा आपको कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पे मेरे से बात कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये रही। इसके अलावा मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके ले लेना, ओके। तो तीन ड्रेसेस होने वाली है, कोई ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ध्यान से देखना, और स्पेशली फॉर कॉलेज गर्ल्स मुझे लगता है उनके लिए सबसे बेस्ट है, और जो लड़कियां जीन्स वगैरह नहीं वेयर करती है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है आई थिंक। वैसे अभी तक मैंने नहीं देखा क्योंकि सुबह ही मुझे रिसीव हुई, अब से 2 या 3 घंटे पहले मुझे मिली थी, तो सिर्फ मैंने ओपन ही करके देखी थी, पहन पहन के कुछ नहीं देखी। अभी बताती हूँ मैं, ये है वो तीन ड्रेसेस जो मुझे आज सुबह रिसीव हुई। पहले कौन सी खोलूं, टुंग यार मुझे कंफ्यूज होता है, मैं चाहती हूँ जो ना सबसे बेकार हो वो मैं सबसे पहले खोलूं और जो सबसे अच्छी हो वो मैं सबसे लास्ट में। सबसे बेकार तो कोई भी नहीं है क्योंकि मैंने खुद से मंगाई है। अच्छा ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ड्रेस है, ये मुझे मिला है, बता दूं मैं। तो यार मुझे पता है क्या लगता है कि आपको पैसे में आग नहीं लगानी चाहिए बिल्कुल भी। जब भी आपको जहां भी कुछ सस्ता मिले ना, खरीद लो, ले लो, छीन लो, कहीं वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, आप लोग मुझे इतना सारा प्यार करते हो, इतना सारा, तो इसलिए मैं ये ड्रेस लेकर आई। ड्रेस है वो है ये, इसके कलर्स देखो यार कितने ही प्यारे और कितने सही लग रहे हैं। अच्छा इसमें यहाँ ना ये राउंड नेक है और यहाँ पे दिए हुए हैं ये बटन, मतलब सारे में आप पहले से खुला हुआ है तो इसको आप मतलब ओपन करके भी पहन सकते हो, इजीली आपको फिट हो जाएगा। और स्लीव्स पे ना ये छोटू सा डिजाइन दिया है, मतलब ऐसे ना नीचे फैब्रिक को लगा के और ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दिया। एक बार पास से दिख रहा है क्या, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसमें ये इस जगह चुन डाले गए, काफी अच्छे खासे घेर बनाए गए इसके, देखोगे कितने अच्छा इसका घेर बनाया है। और यार सबसे बड़ी बात, 270, समझ रहे हो आप, 270 में आप क्या लोगे यार। तो यार इसका जो फैब्रिक है ना वो क्रेप वाला है, तो आप इसको गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हो, मतलब जून के महीने में, जुलाई के महीने में शायद आप नहीं पहन सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि 270 में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि इसके साथ आपको ये बेल्ट भी मिल रही है जो कि बहुत सही है, किसी को सुधारने में ना बहुत सही काम आने वाली है ये। और ये सिर्फ आपको इसी पे नहीं, आपकी कितनी सारी ड्रेसेस पे आपको काम करेगी, जो अच्छी खासी आपके लुक को काफी अच्छा बना देगी, ठीक है। तो ये बेल्ट भी मिल रही है और 270 में ये पूरा ड्रेस मिल रहा है, लॉन्ग, इतना प्यारा, अच्छा। तो मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है, कपड़े के बारे में मस्त सोचो, स्पेशली फॉर कॉलेज गर्ल्स एंड जो ऑफिस जाती है, मतलब जिनका बाहर का आना जाना का डेली का रहता है, तो उनको ना काफी सारे कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैं कहूंगी कि उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है, ठीक है। कुछ घंटों के लिए आपको पहनना होता है तो इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप मार्केट से फैब्रिक खरीदोगे, उसको बनाओगे, रेडी करोगे, बेल्ट खरीदोगे तो शायद थोड़ा सा ऊपर ही बैठ जाए। तो मुझे लगता है कि 270 में बिल्कुल परफेक्ट है, खरीद लो। मैं तो ये कहूंगी कि आप इसको मंगाओ और अपने ऊपर पहन के देखो, जब आपको बहुत अच्छा लगे ना अपने ऊपर, जब मतलब कपड़े हमारे ऊपर खिल जाते हैं ना, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, तो फिर दिल नहीं करता उसे छोड़ने का। तो एक बार मंगा के देखो यार, ट्राई करके देखो, क्योंकि मुझे तो मतलब मेरे कहने से खरीद लो यार, मैं हमेशा ना तुम्हारा फायदा ही करवाऊंगी सस्ते में और अच्छा, ठीक है। तो जो सेकंड ड्रेस है हमारे पास वो है ये भी कुछ मिलता जुलता इसकी तरह ही है, इसके साथ भी हमें बेल्ट मिली है। पहले तो ना इसके कलर देखो कितना अट्रैक्टिव है ना, मतलब व्हाइट, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू, कितना सही लग रहा है ये देखो। इसका
इसका भी कपड़ा हमें सेम मिला है क्रेप वाला, बट इसके प्राइस थोड़े से ज्यादा है, इसके प्राइस आई थिंक 300 है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, यहाँ पे मैं डाल दूंगी देख लेना। तो इसमें भी यहाँ पे मतलब इसका वी नेक है, उसका राउंड नेक था, इसका वी नेक है, और इसमें भी बटन दिए हुए हैं, मैं देख लूं। हाँ, ये ओपन हो जाएंगे अच्छे से आपको। और इसकी जो स्लीव्स है ना, वो फुल स्लीव्स नहीं है, इसमें मुझे थोड़ी सी बुरी बात यही लगी यार, फुल स्लीव्स होती है ना तो सही रहता है, हाफ स्लीव अच्छी नहीं लगती, तो इसमें ये हाफ स्लीव्स है, और यहाँ पे इलास्टिक दिए थोड़ा सा, जिस वजह से इसका ऐसा लुक आ रहा है, क्यूट लग रहा है बहुत। और सेम इस पे यहाँ पे ये घेर दिए हुए हैं, इसमें भी काफी सही घेर है, लेकिन उस वाली में शायद थोड़े ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओवरऑल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इनके कलर्स का फर्क लग रहा है। और बेल्ट जो है इसकी, वो है ये, इसकी बेल्ट मुझे ठीक लगी, बस कुछ खास नहीं लगी, ये तो बिल्कुल ही प्लास्टिक का, शायद एक बार गिर जाए या पैर पड़ जाए तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये है ड्रेस, नीचे गिर गया, अल्लाह, ये रहा। तो मुझे मतलब यार सही लग रही है ये, मुझे 300 में मिली है, वो मुझे 270 में मिली है। तो यार फैब्रिक को तो मैं मतलब बोलूंगी कि फैब्रिक इसका कोई भी बिल्कुल भी खास नहीं है, क्रेप वाला फैब्रिक है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सस्ता कितना अच्छा खरीदना चाहते हो। तो बस जो लोग डेली का, जिनका आना जाने का रहता है, मुझे लगता है उनके लिए ये परफेक्ट ड्रेसेस हैं, वो खरीद सकते हैं। या अगर आप वैसे भी पहन सकते हो तो इसके कलर्स देखो यार, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मतलब एकदम खिलावट आ जाए बंदे के चेहरे पे, तो मुझे काफी सही लग रही है। बाकी आप देख लो, पता है यार मैं इतना कुछ ना मंगाए जा रही हूँ, मुझे लग रहा है मम्मी ना मुझे घर से ही निकाल देंगी टायल, कि दफा हो जाए इस घर से, मतलब इतनी सारी मतलब मंगा रही हूँ। तो प्लीज आप मुझे बताना नीचे कि मैं कौन सा वाला मतलब स्पेशली रखूँ, कि ये तो मुझे रख नहीं रखना है, इसको मैं वापस नहीं करूंगी। वैसे तो मैंने तीनों मंगाई है, और इसमें से हो सकता है कोई हिना भाभी भी ले, तो इसलिए आप लोग मुझे बता देना कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। तो ये है हमारा थर्ड ड्रेस, और इसमें बहुत गंदी वाली बात हुई है मेरे साथ, उन लोगों ने लिखा हुआ था कि ये फैब्रिक रेयॉन है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी यार, 300 रुपए में रेयॉन का फैब्रिक, सही है यार, सही मिल रही है बिल्कुल, मतलब देखते हैं कैसी है। लेकिन फैब्रिक इसका मैं क्रेप तो नहीं बोलूंगी बिल्कुल, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसा ही इसका मुझे फैब्रिक मिला है। तो ये देखो, ये ब्यूटीफुल सी प्यारी सी ड्रेस, पास से दिखा दूं, यहाँ पे इधर और इस तरफ इसके लेस लगाई हुई है, एंड इसका जो लुक है वो ये है, यहाँ दो डोरिया दी है सिर्फ इसको स्टाइल करने के लिए, इसको आप टाइट या छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो। बाकी स्लीव्स सिंपल है, यहाँ पे घेर दिए हुए, घेर भी काफी अच्छे खासे लग रहे हैं मुझे। तो बस इसका मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे खुलते ही बहुत ज्यादा पसंद आ, मैं शीशे में देख रही हूँ अपने आप को, कितनी सही लग रही हूँ यार। आप देखो, ये अलग अलग दो तरीके की डिजाइन दी है, नहीं मतलब ऐसे यहाँ फैब्रिक को काट के, शायद इसी का कुछ अलग साइड में होगा, तो यहाँ से काट के इसको यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, जो कि ये नीचे बॉर्डर आ रहा है ना, कितना सही लग रहा है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये सस्ता फैब्रिक है, तो इसका ये गोल्डन वाला मुझे लग रहा है कि ये छूट जाएगा अगर आप इसको वॉश करोगे। लेकिन अगर आप समझदार हो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह, जैसे मेरी अम्मी बोलती है ना कि जरूरी है हर कपड़े को मशीन में धोने, अगर कोई चीज सस्ती है तो उसे ठीक से नहीं धो सकती हो, उसको ठीक से उठाकर नहीं रख सकती हो, थोड़ी देर के लिए नहीं पहन सकती हो, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए पहन लेना अगर अच्छा लग रहा है तो, और हाथ से ना ऐसे धोना बिल्कुल, ताकि इसका जो ये है ना गोल्डन वाला, ये छूटे ना। आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, ना मैं इसे भी धो के देख रही हूँ कि ये छूटेगा नहीं छूटेगा, लेकिन सस्ते जो फैब्रिक होता है ना, उसका ये गोल्डन वाला ना, ये छूट जाता है, ये जो आउटलाइन हो रही है ना इस पे, ये छूट जाता है गोल्डन वाला, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यार ये मुझे 300 रुपए में 320-30 का पड़ाता है यार, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, यहाँ डाल दूंगी। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यारा लगा, और ये बात तो आप सब जानते होंगे ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को हेल्प मिले कि इतने सस्ते में हम कितने अफोर्डेबल कपड़े खरीद सकते हैं। तो यार मुझे लगता है कि आप इन तीनों को मंगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, आपको जो भी पसंद आ रहा है वही मंगा सकते हैं, बहुत सस्ते में यार, बहुत सही है यार, क्या लोगे इतने में, ये बताओ मुझे, मोदी का जमाना है सुनना ले, ठीक है, ओके। तो बहुत ही बड़े ड्रेसेस है, आप खरीद लेना, साइज मेरा M है, जो कि मुझे बिल्कुल फिट हुआ है, और प्लीज मुझे बता देना कि मैं कौन सा वाला रखूँ कौन सा वाला ना रखूँ, मुझसे पहले कहीं हिना भाभी ना ले ले, इसलिए जल्दी से कमेंट में बता देना कि मुझे कौन सा वाला रखना है, ताकि मैं उनसे लड़ लूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी ड्रेसेस आपको अच्छी लगी होंगी, तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, दुआ मुझे हमेशा याद रखना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैं क्या हुआ अपना ख्याल रखना।
रहना, खुश रहना, ध्यान में हमेशा रहता था। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।